हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज इस वीडियो में आफ्टर 20 ईयर्स नामक लेसन के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। मित्रों, इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था। इस वाले वीडियो में जो शेष बचा है अर्थात इसका सेकंड पार्ट हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था, यहां से अध्ययन करना है हम लोगों को। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं। इसके ऊपर यह था कि जिमी जिमी जो है बॉब से मिलता है, जो बॉब बहुत दूर से उससे मिलने के लिए आता है। जिमी उससे पहचान, जब वो अपनी माचिस जलाता है सिगार जलाने के लिए, तो वह उसके चेहरे को पहचान लेता है और जान जाता है कि नहीं, यह जो है एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा है जिसे शिकागो पुलिस को तलाश है। अर्थात वह जान जाता है कि यह एक अपराधी है, ऐसे पुलिस खोज रही है, चूंकि वह स्वयं जो है पुलिस वाला था। चूंकि यह पहचान गया था कि यह मेरा मित्र भी है और यह अपराधी भी है, लेकिन वह पुलिस वाला था इसलिए कर्तव्य उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। इसलिए उसने ये नहीं बताया कि मैं ही जिमी वेल्स हूँ, और वह वहां से चला जाता है और उसे पूछ लेता है कि तुम केवल 10 बजे तक इंतजार करोगे कि और या और समय दोगे। तो जिमी ने बॉब ने कहा कि नहीं, मैं उसे कम से कम आधा घंटा और दूंगा। तो वह वहां से चल देता है ताकि वह किसी दूसरे सादे वेश में पुलिस वाले को भेज कर उसे गिरफ्तार करवाए। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। देयर वाज नाउ ए फाइन कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग, करा कि अब जो है एक फाइन सुंदर कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग, करा एक ठंडी और महीन फुहार पड़ रही थी। करा जो बारिश हो रही थी अब मतलब फुहारों के रूप में, महीन फुहारों के रूप में गिर रही थी। करा कि एंड द विंड, करे और हवा हैड राइजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पफ्स। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित पफ्स मतलब झोंके। करा कि हवा के झोंके जो है, करे कि इंटू ए स्टेडी ब्लो, स्टेडी मतलब स्टेडी ब्लो मतलब एक स्थिर बहाव। इसमें कह रहा है कि द विंड हैड राइजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पब्स, कह रहा है कि हवा के झोंके, कह रहा है कि अनिश्चित हवा के झोंके जो है इंटू स्टेडी ब्लो एक निश्चित बहाव में बदल गए थे। उसका ये कहने मतलब है जो हवा के झोंके रह रह के आ रहे थे, वो एक निश्चित गति से बहने लगी थी। द फ्यू फूट पैसेंजर, रहे कुछ पैदल यात्री अस्टीर इन दैट क्वार्टर, उस क्षेत्र में रहने वाले कुछ पैदल यात्री हरिड तेजी से, करे हरिड जल्दी में डिस्मली उदास होकर के एंड साइलेंटली और चुपचाप अलॉन्ग विथ कोट कॉलर टर्न्ड अप टर्न्ड हाई, करे कि अपने कोट के कॉलर को टर्न्ड हाई ऊंचा उठाए हुए एंड पॉकेटेड हैंड, और अपना हाथ अपने जेब में डाले हुए तेजी से जा रहे थे। इसमें कराया कि उस क्षेत्र में रहने वाले कुछ पैदल यात्री कराया कि उदास होकर के चुपचाप और अपना कालर अपने कानों तक तो उठाए हुए, अपना हाथ अपने जेब में डाले हुए तेजी से जा रहे थे। इसका मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंड भी पड़ रही थी, इसलिए वह उस तरह जा रहे थे। एंड इन द डूर वे ऑफ द हार्डवेयर एंड इन द डूर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर, कराया कि उस हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे पर द मैन, वह व्यक्ति हु हैड कम अ थाउजेंड माइल्स, कह रहा जो हजारों मील दूर से आया था टू फिल एन अपॉइंटमेंट, एक वादे को पूरा करने के लिए, अनसर्टेन वह अनिश्चित था, ऑलमोस्ट टू एब्सर्डिटी, कह रहा है कि मूर्खता की सीमा तक। कह रहा वह व्यक्ति है जो हजारों मील दूर से अपने बचपन के किए हुए एक वादे को पूरा करने के लिए आया था, वह मूर्खता की सीमा तक अनिश्चित था, मतलब वह बहुत ही अनिश्चित था। करे विथ द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ, करे अपने युवा काल के मित्र के साथ। फिर से बता दूं, करे कि एंड इन द डोर वे ऑफ द हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे पर द मैन, वह व्यक्ति हु हैड कम अ थाउजेंड माइल्स, जो हजारों मील दूर से आया था टू फिल एन अपॉइंटमेंट, अपने एक वादे को पूरा करने के लिए, वह व्यक्ति अनसर्टेन अनिश्चित था, ऑलमोस्ट टू एब्सर्डिटी मूर्खता की सीमा तक। विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ, कह रहा है कि जो अपने युवा काल के मित्र के साथ वादा पूरा करने के लिए आया था। स्मोक्ड हिज सिगार, अपने सिगार को जलाया एंड वेटेड और इंतजार किया। अबाउट 20 मिनट ही वेटेड, लगभग 20 मिनट उसने इंतजार किया। एंड देन और तब अ टॉल मैन, एक लंबा आदमी इन ए लॉन्ग ओवरकोट, करा एक लंबे ओवरकोट में जो ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, विथ कॉलर टर्न्ड अप टू हिज ईयर्स, और जो अपने कॉलर को अपने कानों तक उठाए हुए था, हरिड,
रहा तेजी से क्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, कह रहा सड़क की अपोजिट साइड से, मतलब दूसरी तरफ से तेजी से आया। ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, वह सीधे जो है उस वेटिंग मैन मतलब इंतजार करते हुए आदमी के पास पहुंचा। इज दैट यू बॉब, ही आस्क्ड डाउटफुली, उसने जो है संदेह पूर्वक पूछा कि इज दैट यू बॉब, क्या तुम ही बॉब हो। इज दैट यू जिमी वेल्स, क्या तुम जिमी वेल्स हो, क्राइड द मैन इन द डोर, उस दरवाजे वाले व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा। ब्लेस माई हर्ट, मेरा सौभाग्य, एक्सक्लाइम्ड द न्यू अराइवल, उस नए आगंतुक ने कहा। ग्रेस्पिंग, ग्रेस्पिंग था पकड़ना, ग्रेस्पिंग बोथ द अदर्स हैंड विथ हिज ओन, कराया कि दूसरे के हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए, मतलब दूसरे वाले व्यक्ति को अपने हाथों से पकड़ते हुए उसने कहा कि ब्लेस भाई हट, ये मेरा सौभाग्य है। उसने कहा कि इट्स बॉब, यह बॉब है, श्योर एज फेट, कराया उतना निश्चित जितना कि भाग्य, उसे देखकर मतलब आश्चर्य होता है, वो यह बॉब है उतना निश्चित जितना भाग्य, क्योंकि वह 20 साल बाद वादा किया था और वह वहां पर पहुंच गया था। आई वॉज सर्टेन, कराया मुझे विश्वास था, आई वुड फाइंड यू हियर, मैं तुम्हें यहां पर पाऊंगा, इफ यू आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस, यदि तुम्हारा अस्तित्व है या यदि तुम जिंदा हो तो मैं तुम्हें यहां पर पाऊंगा। इन एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व में होना अर्थात जिंदा होना। उसने कहा कि मुझे विश्वास था कि यदि तुम जिंदा हो तो मैं तुम्हें यहां पर पाऊंगा या तुम यहां पर जरूर आओगे। वेल वेल वेल, 20 years इज अ लॉन्ग टाइम, उसने कहा कि 20 साल एक लंबा समय होता है। द ओल्ड रेस्टोरेंट गॉन, पुराना रेस्टोरेंट चला गया। उसने कहा कि द ओल्ड रेस्टोरेंट गॉन बॉब, कर बॉब पुराना रेस्टोरेंट चला गया। आई विश, मेरी इच्छा है कि इट हैड लॉस्ट इट, रहा होता, सो वी कुड हैव हैड एंड द डिनर देयर, तो हम वहां पर दूसरा डिनर कर पाते। हाउ हैज द वेस्ट ट्रीटेड यू, कहता कि पश्चिम ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, या तुम पश्चिम में कैसे रहे ओल्ड मैन। सो कहता है ओल्ड मैन, तुम पश्चिम में कैसे रहो, उसको ओल्ड मैन करा क्योंकि 20 साल बाद आया, उसकी एज बढ़ गई। तो बॉब ने कहा बुली, मतलब बहुत अच्छा, इट हैज गिवन मी एवरीथिंग, इसने मुझे सब कुछ दिया, आई आस्क इट फॉर, जो कुछ मैंने मांगा था, मतलब जो कुछ मैंने मांगा ये सब कुछ दिया। यू हैव चेंज लॉट्स, तुम बहुत बदल गए हो जिमी, उसने कहा जिमी तुम बहुत बदल गए हो। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा कि यू आर सो टॉल बाय 2 or 3 inches, कि तुम 2 या 3 इंच लंबे हो जाओ। ओ आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वाज 20, तो जिमी ने कहा कि ओ मैं जो है आई ग्रू अ बिट, मैं थोड़ा बढ़ गया आफ्टर आई वाज 20, 20 वर्ष के बाद, उसने नहीं 20 वर्ष के बाद मैं थोड़ा बढ़ गया। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, उसने कहा जिमी क्या न्यूयॉर्क में सब कुछ ठीक ठाक है। मॉडरेटली, उसने तो जिमी ने उत्तर दिया, मॉडरेटली मतलब साधारण, मतलब उसका कहने मतलब साधारण चल रहा है। आई हैव ए पोजिशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट, उसने कहा कि शहर के विभाग में मुझे एक पोजिशन प्राप्त है, मतलब एक पद प्राप्त है, ये नहीं बता रहा है कि मैं पुलिस वाला हूं। कम ऑन, आओ आओ बाब, वी शैल गो अराउंड टू प्लेस, हमें कैसे स्थान चले, आई नो, अब जिसे मैं जानता हूं, एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम, और हम पुराने समय के बारे में बहुत लंबी बहुत अच्छी और लंबी बातें करेंगे। देखिए मित्रों, वह जो दूसरा जो पहला बॉब से मिला था वही जिमी था, जिमी वहां चला जाता है और एक सादे वेश में दूसरे पुलिस वाले को वहां पर भेज देता है उसको गिरफ्तार करने के लिए। वह जिमी नहीं है जिससे वह बात कर रहा है। कह रहा है द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट, दोनों आदमी सड़क पर चल दिए, आर्म इन आर्म, बाहों में बाहें डाले हुए। द मैन फ्रॉम द वेस्ट, कह रहा है पश्चिम वाला व्यक्ति, हिज एगोटिज्म, उसका अहंकार एनलार्ज्ड, बढ़ा हुआ था बाय सक्सेस, सफलता से। कह रहा जो पश्चिम वाला व्यक्ति था उसका अहंकार जो सफलता से बढ़ा हुआ था, मतलब उसके अंदर अहंकार था क्योंकि बहुत सारा पैसा कमा लिया था। कह रहा कि वाज बिगिनिंग, उसने आरंभ किया टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज कैरियर, कह रहा कि अपने कैरियर की हिस्ट्री को बताना चालू किया, मतलब अपने कैरियर के बारे में वो उससे बताना चालू किया। अब उसे क्या मालूम है कि जिसे मैं बता रहा हूँ वो पुलिस वाला है। दादर, जबकि कह रहा है दूसरा समर्स इन इस ओवरकोट, अपने ओवरकोट में घुसा हुआ, साकर ने मतलब वो अपना ओवरकोट कानों तक उठाए हुए था। लिसन विथ इंटरेस्ट, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुना था। एट द कॉर्नर स्टूड ए ड्रग स्टोर, कह रहा है कि कोने में एक दवा की दुकान थी, ब्रिलियंट विथ इलेक्ट्रिक लाइट, कह रहा है जो इलेक्ट्रिक लाइट से मतलब बिजली के प्रकाश से चमक रही थी। When, जब
दे केम इन टू हिज ग्लेयर, जब वे उसकी जगमगाहट में आए, ग्लेयर मींस द जगमगाहट, ईच ऑफ देम, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति टर्न्ड साइमल्टेनियसली, तो कह रहा है उसमें से प्रत्येक व्यक्ति जो है एक ही साथ मुड़ता है टू गेज अपॉन द अदर फेस, एक दूसरे के चेहरे को देखने के लिए। गेज का मतलब होता है दृष्टि डालना, और इसका मतलब है एक साथ, जब दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं तो देखिए क्या क्या प्रतिक्रिया होती है। कह रहा है द मैन फ्रॉम द वेस्ट, जो पश्चिम वाला व्यक्ति था, स्टॉप सडनली, अचानक रुक गया, एंड रिलीज हिज आर्म, और अपनी बाहों को खींच लिया। उसने कहा कि यू आर नॉट जिमी वेल्स, शी स्नैप्ड, उसने झटके में कहा कि यू आर नॉट जिमी वेल्स, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। 20 years इज अ लॉन्ग टाइम, 20 साल लंबा समय होता है, बट नॉट लॉन्ग इनफ, लेकिन इतना भी लंबा नहीं होता है कि टू चेंज ए मैंस नोज फॉर रोमन टू पग, कि एक आदमी की नाक जो है चिपटी से करे कि एक आदमी का सॉरी नुकीली नाक से चिपटी नाक में बदल जाए, जो जो रोमन वासी होते हैं उनकी नाक जो है नुकली होती है। उसने कहा कि 20 साल एक लंबा समय होता है, लेकिन इतना भी लंबा समय नहीं होता कि एक नुकीली नाक चिपटी नाक में बदल जाए। ये पग का मतलब होता है मंगोल नस्ल की चिपटी नाक, और रोमन वासी मतलब रोमन वासियों की तरह नुकीली नाक। तो देखिए वो पुलिस वाला क्या जवाब देता है, कह रहा है इट समटाइम्स चेंज्स अ गुड मैन इनटू अ बैड मैन, तो उस बात को सुनकर वो टिप्पणी करता है ठीक वैसे है कि जैसे कभी कभी एक अच्छा आदमी बुरा आदमी बन जाता है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि 20 साल पहले वो अच्छा था, बाद में बुरा हो गया। सेड द अदर, सेड द टॉल मैन, उस लंबे आदमी ने कहा यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स, सेल के बॉब, उसने कहा कि बॉब तुम जो है 10 मिनट से अंडर अरेस्ट हो, मतलब तुम 10 मिनट से गिरफ्तार चल रहे हो। देखिए सिल्की का मतलब होता है सरकारी मेहमान, अर्थात बंदी या गिरफ्तार व्यक्ति। शिकागो पुलिस सोचती है कि यू मे हैव ड्रॉप्ड आवर वे, कि तुम हमारे रास्ते आए हो, मतलब तुम हमारे एरिया में आए हो, ये शिकागो पुलिस सोच रही थी। एंड वायरसेस, और वो हम और उसने हमें तार भेजा कि शी वांट्स टू हैव अ चैट विथ यू, कि वह तुमसे बात करना चाहती है। तो ये कहने का मतलब है कि शिकागो पुलिस को मालूम हो गया था कि तुम्हारे एरिया में आए हो, और उसने हमें वायर किया कि हम तुमको गिरफ्तार करें। गोइंग क्वाइटली आर यू, कह रहा है कि चुपचाप चले चलो आर यू, नहीं तो दैट सेंसिबल, इसी में समझदारी है। नाउ अब बिफोर वी गो ऑन टू द पुलिस स्टेशन, कि इससे पहले कि हम पुलिस स्टेशन पर चले, हियर इज नोट, यहाँ पर एक नोट है, मतलब एक छोटा पत्र है। आई वॉज आस्क्ड टू हैंड ओवर टू यू, जो मुझे तुम्हें देने के लिए कहा गया था, यू मे रीड इट हियर, तुम इसे यहाँ पर पढ़ सकते हो एट द विंडो, खिड़की के पास। उसने कहा कि तुम यहाँ पर इसे खिड़की के पास पढ़ सकते हो। इट्स फ्रॉम पेट्रोलमैन वेल्स, कराया कि यह गश्त करने वाले वेल्स की तरफ से है। अब देखिए इसमें अब जिमी वेल्स क्या लिखता है। जिमी वेल्स उसका मित्र जो है उससे मिलता है, और जब वो माचिस लाया था उसके चेहरे को पहचान जाता था, पहचान गया कि नहीं यह जो है मेरा दोस्त बॉब है, लेकिन वह उस चेहरे को पहचान गया क्योंकि जिसे शिकागो पुलिस को तलाश थी, उसने पहचान गया कि नहीं यह अपराधी भी है, इसलिए वह वहां से चला जाता है और सादे वेश वाले पुलिसमैन को भेजता है उसको गिरफ्तार करने के लिए, और उसके और अपने साथ उस एक लेटर भी भेज देता है। तो वही लेटर वह पुलिस वाला उसको देता है कि स्टेशन चलने से पहले तुम उसको पढ़ लो। द मैन फ्रॉम द वेस्ट, कह रहा है कि पश्चिम वाला व्यक्ति अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर, कह रहा है कि उस कागज के छोटे पेपर को खोला, हैंडेड ओवर टू हिम, जो उसे सॉरी फिर से देखिए मित्रों, कह रहा है द मैन फ्रॉम द वेस्ट, वो पश्चिम वाला वह व्यक्ति अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर, उस छोटे कागज को खोला, हैंडेड ओवर टू हिम, जो उसे दिया गया था। हिज हैंड वाज स्टेडी, उसका हाथ स्थिर था, स्टेडी मीन्स होता है स्थिर। When he began to read, जब उसने इसे पढ़ना प्रारंभ किया, but it trembled a little, लेकिन ये थोड़ा कांपने लगा। By the time, उस समय तक he had finished, जब उसने इसको पढ़ना समाप्त किया। The note was rather short, वह जो पत्र था बहुत ही छोटा था। जब उस लेटर को बॉब ने पढ़ना प्रारंभ किया तो उसका हाथ स्थिर था, लेकिन जब पेपर को उस लेटर को पढ़ के समाप्त किया तो उसका हाथ कांपने लगा, क्योंकि वह सच्चाई से अवगत हो गया। देखिए उसमें लिखा था, उस लेटर में क्या लिखा था कि बॉब आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम, कह रहा बॉब मैं उस निश्चित स्थान पर सही समय से पहुंच गया था। व्हेन यू स्ट्रक द मैच टू लाइट योर सिगार, उसने कहा कि जब तुमने अपनी माचिस जलाई अपने सिगार को जलाने के लिए,
ऐसा मैंने देखा कि इट वॉज द फेस ऑफ द मैन, कि यह ऐसे व्यक्ति का चेहरा है वॉन्ट इन शिकागो, जो शिकागो में वांछित है या जो जिसे शिकागो पुलिस को तलाश है। संभव कुछ भी हो, आई कुड नॉट डू इट माई सेल्फ, मैं यह स्वयं नहीं कर सकता था, अर्थात मैं तुम्हें स्वयं गिरफ्तार नहीं कर सकता था। सो आई वेंट अराउंड, इसलिए मैं चला गया एंड गॉट ए प्लेन क्लॉथ मैन, और एक सादे वेश वाले पुलिस व्यक्ति को उपलब्ध कराया टू डू द जॉब, इस जॉब को करने के लिए, मतलब इस काम को करने के लिए। फिर अपना नाम लिखते हैं जिमी। ठीक है मित्रों, ये बहुत ही सुंदर कहानी है। इसमें इसका सबसे पक्का सबसे सच्चा दोस्त रहते हुए भी जिमी जो है अपने कर्तव्य को निभाता है, क्योंकि इस दुनिया में कर्तव्य ही सबसे बड़ा है किसी भी चीज से बढ़कर। तो मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई मैं इसको इसकी जो ग्लॉसरी है थोड़ा सा इसको भी दिखा देता हूं आप लोगों को, जो वर्ड मीनिंग है। देखिए, ऑन द बीट का मतलब होता है टेकिंग यूजुअल राउंड्स ऑन पेट्रोल ड्यूटी, गश्त पर। ऑन द बीट का मतलब होता है जो पुलिस वाले कहीं ड्यूटी लगती है, गश्त करते हैं तो उसको बोलते हैं। एवेन्यू मतलब वाइड स्ट्रीट, ये चौड़ी सड़क। बैरली हार्डली, मुश्किल से। डीप पीपल्ड मतलब होता है डिजर्टेड विदाउट पीपल, बिना लोगों के, निर्जन। वेल नाई वेल नाई मतलब ऑलमोस्ट लगभग। ट्यूरलिंग टर्निंग राउंड एंड राउंड क्यूकली, तेज से गोल गोल घुमाते हुए। इंटरकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा। टू कॉस्ट वॉचफुल आइज, टू इसका मतलब है टू ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना। पैसिफिक का मतलब है पीसफुल शांतिपूर्ण। स्टॉलवर्ट फॉर्म का मतलब होता है टॉल एंड स्ट्रांग बॉडी, लंबा और मजबूत शरीर। स्वेगर का मतलब होता है प्राउड मैन ऑफ वॉकिंग, चलने का गौरवपूर्ण तरीका। वसनेटिंग मतलब होता है पीपल इन नेबरहुड, पड़ोस के लोग। केप टॉली आवर्स मतलब वेंट टू बेड अर्ली, बिस्तर पर जल्दी चले जाते थे। एंड ऑल नाइट लंच काउंटर का मतलब अ लंच काउंटर दैट रिमेंस इन बिजनेस थ्रू आउट द नाइट, कि एक ऐसा लंच काउंटर जो कि पूरी रात अपना काम करता हो, मतलब पूरी रात खुलने वाला भोजनालय चलने वाला। ठीक है, ब्लॉक मतलब होता है ग्रुप ऑफ हाउसेस, घरों का समूह। टाउन डाउन मतलब होता है क्लोज या पुल डाउन, गिरा देना। रेजरेंगली मतलब होता है मेकिंग श्योर, विश्वास दिलाना। स्टिक के मैच का मतलब होता है लाइटेड मैच स्टिक, दिया सलाई की एक तीली जलाना। चम का मतलब होता है क्लोज फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र। चैप का मतलब होता है बॉय। रेस का मतलब ब्रॉट अप, पालन पोषण किया जाना। ड्रैग्ड आउट रिमूव्ड फोर्सिबली, कराया कि जबरदस्ती हटाना या ले जाना या घसीटना। डेस्टिनी वर्क्ड आउट मतलब सेट कोर्स ऑफ आवर लाइफ, कराया कि हमारे जीवन का जो कोर्स है वो अपना आकार प्राप्त कर चुका होगा, मतलब कि जिसको भाग में जो मिलना होगा वो मिल चुका होगा। मिट्स मीटिंग्स, मिलन होता है। लॉस्ट ट्रैक मिस्ड ट्रैक्स, संपर्क टूट जाना। प्लर्डर एक अस्लो फेलो मतलब एक सुस्त आदमी। गेट्स इन ग्रुप का मतलब होता है गेट्स इन लो एंड फिक्स पोजीशन, क्रैक एक निम्न और निश्चित स्थिति में पड़े रहना। रेजर रेस का मतलब होता है शार्पनेस या विगर, चुस्ती या तेजी होता है। इट टेक्स द वेस्ट टू पुट ए रेजर इज ऑन, इसका मतलब होता है कंडीशन इन द वेस्ट मेक ए मैन शार्प एंड एक्टिव, क्रैक वह स्थितियां क्रैक पश्चिम की वह स्थितियां जो एक आदमी को शार्प एंड एक्टिव, तेज और सक्रिय बनाती है। बुली रब बिहेवियर फेलो, डिपार्टमेंट्स बिजनेस हाउस या शॉप। एगोटिज्म का मतलब होता है प्राइड घमंड। समर्जिन का मतलब होता है पार्टली कवर्ड बाई, कराया कि समर्ज मतलब पार्टली कवर्ड बाई, हल्का सा ढका हुआ। स्नैप्ड अटरली शार्पली, कराया तेजी से कहना, अटर्ड शार्पली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट द सेम टाइम, उसी समय। अरोमन ए प्रोमिनेंट एंड ऑक नोस, आर नस्सी उभरी नाक। और पक का मतलब होता है अ फ्लैट एंड टर्न्ड ऑन टर्न्ड अप नोस, मंगोल नस की चपटी नाक। सिल्की का मतलब होता है क्यून्स काउंसिल, हियर इट्स मींस ए कैप्टिव। पक का मतलब क्यून्स काउंसिल होता है रानी की काउंसिल, लेकिन यहां पर इसका मतलब क्या है, एक कैप्टिव बंदी से, मतलब सरकारी मेहमान अर्थात बंदी या गिरफ्तार व्यक्ति। शिकागो मतलब हियर इट मींस शिकागो पुलिस जिला पुलिस से। और प्लेन क्लोथ मैन का मतलब पुलिस मैन इन प्लेन क्लोथ, सादी वर्दी में पुलिस वाला। तो वीडियो देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इसका फर्स्ट वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा।